नमस्कार, वीसीए न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज दुनिया भर के 3/4 यानी 77% से ज्यादा लैपटॉप्स और पर्सनल कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज पर चल रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ नए एप्लीकेशन जुड़ रहे हैं, क्षमता बढ़ रही है और हार्डवेयर भी उसी रफ्तार से अपग्रेड हो रहे हैं। इस इवोल्यूशन में आज की तारीख बेहद अहम है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने 28 साल की उम्र में 10 नवंबर 1983 को पहली बार विंडोज लॉन्च किया था। आज विंडोज तकरीबन हर जगह दिख जाता है। जो काम आज हम अपने कंप्यूटर पर कर रहे हैं, उसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये बिल गेट्स की और माइक्रोसॉफ्ट के पहले यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 1.0 की कहानी है। उसके बिना डेस्कटॉप कंप्यूटर का वह महत्व तो कतई नहीं रहता जो आज हमारे लिए है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक गेट्स ने 10 नवंबर 1983 को न्यूयॉर्क सिटी में पॉश इवेंट रखा था। इसका मुख्य आकर्षण एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो सिंपल और इंटुइटिव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ आया था। उस समय तक कमांड बेस्ड MS-DOS पर ही कंप्यूटर काम करते थे। विंडोज में ड्रॉप डाउन मेन्यू, टाइल विंडोज, माउस सपोर्ट और कई ऐसे एप्स के साथ मल्टीटास्किंग संभव था। यह पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे चलाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी। राजस्थानी भाषा के साहित्यकार वर्ष 2007 में पद्मश्री से सम्मानित विजयदान देथा का जोधपुर जिले के बोरुंदा गांव में 10 नवंबर 2013 को निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। विजयदान देथा बिजी के उपनाम से भी जाने जाते थे। वह अपनी कहानियों के लिए देश विदेश में काफी मशहूर थे। पद्मश्री विजयदान देथा का जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले के बोरुंदा गांव में 1 सितंबर 1926 को हुआ। वह राजस्थानी लोक संस्कृति की प्रमुख संरक्षक संस्था रूपायन संस्थान के सचिव रहे। विजयदान देथा को राजस्थानी के लिए 1974 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1952 में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, वर्ष 1995 का मरुधारा पुरस्कार, वर्ष 2002 का बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया। विजयदान देथा को वर्ष 2006 का साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, वर्ष 2007 में पद्मश्री, मेहरानगढ़ संग्रहालय ट्रस्ट द्वारा 2011 में राव सिंह पुरस्कार, वर्ष 2012 में राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। देथा की लिखी कहानियों पर 2 दर्जन से ज्यादा फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें मणिकौल द्वारा निर्देशित दुविधा पर अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। वर्ष 1986 में उनकी कथा पर प्रकाश झा द्वारा निर्देशित फिल्म परिणीति काफी प्रभावित हुई। विजयदान देथा को राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 1972 और 73 में विशिष्ट साहित्यकार के रूप से सम्मानित किया गया। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो विज्ञान में समाज में महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है और प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। यह उभरते हुए वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में व्यापक जनता को शामिल करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है। विश्व विज्ञान दिवस 2001 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा घोषित किया गया था और 2002 में पहली बार मनाया गया था। विज्ञान को समाज के साथ और अधिक निकटता से जोड़कर विश्व विज्ञान दिवस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को विज्ञान की विकास से अवगत कराया जाए। यह उस भूमिका को भी रेखांकित करता है जिसे वैज्ञानिक हमारे ग्रह की समझ को व्यापक बनाने में भूमिका निभाते हैं, जिसे हम घर कहते हैं, और हमारे समाज को अधिक टिकाऊ बनाते हैं। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस के उद्देश्य है शांतिपूर्ण और स्थायी समाजों के विज्ञान की भूमिका पर सार्वजनिक जागरूकता को मजबूत करना, देशों के बीच साझा विज्ञान के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना, समाजों के लाभ के लिए विज्ञान के उपयोग के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का नवीनीकरण, विज्ञान के सामने मौजूद चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करें और वैज्ञानिक प्रयासों के लिए समर्थन जुटाए। दुनिया भर की व्यक्तियों और संस्थानों को विश्व विज्ञान दिवस पर एक कार्यक्रम या गतिविधि आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें सरकारी अधिकारी, छात्र, मीडिया और स्कूल के छात्र शामिल हैं। विश्व विज्ञान दिवस के लिए शांति और विकास ने दुनिया भर में विज्ञान के लिए कई ठोस परियोजनाएं, कार्यक्रम और धन उत्पन्न किए हैं। इसने संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले वैज्ञानिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में मदद की है। एक उदाहरण इजराइल फिलिस्तीनी विज्ञान संगठन का यूनेस्को समर्थित निर्माण है। बीसीए न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीए न्यूज। नमस्कार।